उधर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हांसी का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर पुलिस की सराहना की। रिपोर्ट देखिए। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हांसी का दौरा किया। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु PWD रेस्ट हाउस में लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए हैदराबाद गैंगरेप पर चिंता जताई, साथ ही एनकाउंटर को लेकर पुलिस के काम की सराहना भी की। पूरे देश में एक प्रकार की मांग थी कि जल्द से जल्द न्याय हो, और जब पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अपनी जांच वो कर रहे थे, तो अभियुक्तों ने कहीं ना कहीं देश का मूड भांप करके और इस बात को कहीं ना कहीं समझ लिया होगा कि अब यहाँ से बचना तो नामुमकिन है, तो उन्होंने अपना जो भागने का प्रयास किया होगा, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वो भागने ना पाए, वह कानून के शिकंजे से बचने ना पाए, और जो पुलिस के नियम के अनुसार जो उचित कार्रवाई है वो एनकाउंटर करके उनको एलिमिनेट करना का जो काम पुलिस ने किया, ऐसे अपराधी बचने ना पाए, पुलिस ने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि समाज में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, साथ ही महिलाओं को गलत दृष्टि से देखने वाले संस्कार परिवार से ही न पनपे, साथ ही स्कूल कॉलेजों और समाज सब मिलकर शिक्षा में परिवर्तन करें जिससे महिलाओं का सम्मान बना रहे। हर स्तर पर, गांव स्तर पर, स्कूल के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, शहरों में, सामाजिक संगठनों में अब इस प्रकार की जागृति और चेतना आनी चाहिए। बेटियों और बहनों के प्रति दृष्टिकोण को सुधारने का काम होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान हो और महिलाओं को गलत दृष्टि से देखने का संस्कार वह परिवार से ही वह ना पनपे, स्कूल कॉलेज और समाज सब मिलकर के अपनी शिक्षा में इस प्रकार का परिवर्तन करें कि महिलाओं के प्रति एक सम्मान का भाव बना रहे, बराबरी का दर्जा देने का भाव बना रहे, और वह कोई वस्तु के तौर पर नहीं बल्कि एक पूजनीय, एक व्यक्ति के तौर पर उसका सम्मान बने, यह पूरे समाज का जिम्मेदारी बनती है कि सब मिल करके इस संस्कृति को सुधारने का काम सब करें। वहीं नशे को लेकर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने चिंता जताई, साथ ही कहा कि पंजाब से लगे कुछ हिस्सों में पाकिस्तान से आया नशा हमारे नौजवानों को कमजोर कर रहा है, इसीलिए नशा को रोकने के लिए सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है, उसे प्रशासन अमल मिलाए और साथ ही समाज भी नशे के प्रति जागृत हो। देखिए, बहुत बड़ी चिंता की बात है कि आज हमारा उत्तर भारत में, विशेष रूप से पंजाब हरियाणा और पंजाब से लगा हुआ हरियाणा के क्षेत्रों में जो पाकिस्तान से आया हुआ नशा हमारे हिंदुस्तान के युवा को कमज़ोर करने की साजिश के तहत वह फैल रहा है, यह बहुत ही खतरनाक है, यह समाज और देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। नशे की गिरफ्त में आया हुआ युवा वह न केवल अपने जीवन से हाथ धोता है बल्कि वह अपने परिवार का भी बहुत अधिक नुकसान कर देता है और एक प्रकार से उस नशे को फैलाने में भी अपना योगदान देता है। ऐसे में सरकार की सख्ती तो लाजमी है, होनी चाहिए, और इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक इच्छा शक्ति, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो हमारी सरकार ने आज व्यक्त की है, उस इच्छा शक्ति को क्रियान्वयन में प्रशासनिक अधिकारी जरूर लेकर के आएँ, पुलिस अधिकारी जरूर लेकर के आएँ, वहीं सामाजिक संगठन भी इसके लिए खड़े हों। कोई भी नशा करता है उसको किस प्रकार से नशे से दूर किया जाए, विभिन्न सामाजिक संगठन भी आगे आए। हरियाणा के युवा नशे के गिरफ्त में आते ही जा रहे हैं, हालांकि नशे को लेकर सरकार भी सख्त है और युवाओं को नशे के प्रति जागरूक भी कर रही है। जनता टीवी के लिए हांसी से प्रदीप दुहन की रिपोर्ट।